स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में करेंगे ब्राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म द फ्लोइंग न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को हम एक्सपेंड करेंगे। देखो, फर्स्ट सम है हमारा 487। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये क्या है, 7 जो है वंस प्लेस पर है, 8 है वो टेंस पर है, और 4 है वो 100 पर है। ये देखो, वंस, टेंस और 100। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 4 है जो 100 प्लेस पर है, तो इसके पास 4 के बाद दो डिजिट है 8 और 7, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे। ओके, आगे हैं 8, ये कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है, तो 8 के बाद कौन सी, कितनी डिजिट है हमारी, 1 7, तो इसके बाद क्या लगेगी, 10 लग जाएगी। आगे है 7, 7 है वो वंस प्लेस पर है, तो 7 के बाद हमारी कोई डिजिट नहीं है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, 7 का 7 आ जाएगा। तो इसको हम बुक में ऐसे करेंगे, 400 प्लस 80 प्लस 7, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सम है हमारा 195, ठीक है। इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी तरह ही करेंगे, वंस, टेंस और 100, ठीक है। ये जो है वंस प्लेस पर है, तो क्या है, ये 100 है ना, 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, और 9 और 5 टू डिजिट है, तो इन दोनों की 0 लग जाएगी, ये 100 हो जाएगा। ओके, आगे है 9, 9 है वो टेंस प्लेस पर है, तो 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है हमारी 5, तो इसके बाद क्या लग जाएगी, 10 लग जाएगी। आगे है 5, 5 के बाद हमारी कोई डिजिट नहीं है, तो 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे थे सिंपल डिजिट वाले। अब है जैसे 207 है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 207, ठीक है। ये क्या है, 207, 7 है वो वंस प्लेस पर, 0 है वो क्या है, टेंस प्लेस पर, और 2 है वो 100 प्लेस पर, ठीक है। अब 2 है तो ये क्या है, 100 है, 200 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अगर हम इसके बाद 20 लगा देंगे तो भी ये एक ही मतलब है, 0 मतलब खाली होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लगा देंगे, ठीक है। आगे है 7, 7 की, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 7 है वो वंस प्लेस पर है, तो 7 का 7 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 200 प्लस 0 प्लस 7, ठीक है। ऐसे ही आगे एक सम मोर है, 800, ठीक है, 800, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे एक्सपेंड, अभी 800 है, वंस, टेंस और 100, ओके। अब 800 के बाद, 800 है तो 0 का मतलब क्या है, 0 है, तो 8 का 100 का क्या आ जाएगा, 800, 1 0 की क्या आ जाएगी, 0, और इसकी भी 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 800 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। ये थे आज हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपको बुक के अंदर ही करने हैं और बुक मुझसे चेक करवानी है। ओके।